The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds max. Dreams come true. Download the app now. तीन दो डिटेल्स पे काम कर लिया हमने अब तक, फ्लोर प्लान और डोर विंडो शेड्यूल्स पे काम कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलो उससे इजी टास्क पे काम करेंगे। पहले उससे थोड़ा सा इजी वाले पे काम करते हैं, फर्नीचर लेआउट, फिर एलिवेशन पे। छोटा सा टॉपिक है फर्नीचर लेआउट। इसमें क्या करना होगा, नाम से क्लियर हो रहा है। फर्नीचर लेआउट मीन्स फर्नीचर की डिटेलिंग करना। प्लानिंग में हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि हम लोग सारी चीज़ें प्लानिंग में नहीं मेंशन कर सकते। अलग अलग पार्ट्स क्यों डिज़ाइन करे जाते हैं, ताकि हम सामने वाले को अलग अलग डिटेल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकें, उसको समझा सकें, उसको उस डिटेल पे पूरा फोकस हो सके। अब मैं फ्लोर प्लान के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूंगा तो फिर सामने वाले के समझ में कुछ नहीं आएगा, वो भी कन्फ्यूज रहेगा कि हम किस पे काम करना चाहते हैं, बनाया क्या है आपने, उसकी भी समझ में नहीं आएगी ये चीज़। इसलिए हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को अलग अलग पार्ट में डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फर्नीचर लेआउट पे काम करने के लिए, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम चीजों को मेंशन कर पाएंगे। हमको पता होना चाहिए कि अगर हम मैं डब्ल्यू सी यहां मेंशन कर रहा हूं तो डब्ल्यू सी मेंशन कर रहा हूं तो कितना स्पेस बच रहा है, साइड से कितना स्पेस बच रहा है। यहां तक काम करने का तरीका और भी डिटेल में होता है, बट कोई करता नहीं है, इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। आज के टाइम 90% कॉपी एंड पेस्ट का यूज होता है, 90%, चाहे वो एक बिगिनर हो चाहे वो एक प्रोफेशनल ही। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया, ये बताइए आपने किसके बेसिस पे लिया, स्टैंडर्ड साइज कुछ बताइए इसका, किस कंपनी का है, मटेरियल क्या है इसका, आपने ये क्या दिया है, ये वैनिटी दी है, कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, क्या है ये, क्या फिनिश है, कौन सा डिजाइन है, क्या नाम है इसका। वो सारी चीजें सामने वाले को पता लग जाए इस प्रोजेक्ट इस डिटेल के बेसिस पर, ठीक है। मैंने बेडरूम डिजाइन करा, सामने वाले ने पूछा कि हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन ऐड करना चाहते हैं, इस स्पेस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए कि कितना स्पेस बच रहा है बेड प्लेस करने के बाद,
साइड में कितना स्पेस है वॉक के लिए, वार्डरोब के लिए कितना स्पेस लिया, टीवी यूनिट के बाद कितना स्पेस बच रहा है। ओवरऑल हर एक फर्नीचर्स की डिटेल, पॉइंट नंबर वन। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या हम यहां पर ब्लॉग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? क्या हम ब्लॉग को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस डिटेल में ब्लॉग का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ब्लॉग कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो ब्लॉग स्टैंडर्ड नहीं होंगे, ना उनके साइज होंगे। तो क्या? हाँ बताइए सर। अगर ब्लॉग रेडी होगा तो उसे स्केल करके तो यूज कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, इसका भी आंसर देंगे हम आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ब्लॉग रेडी है तब क्या करेंगे? पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा तुमने, क्योंकि बच्चे यही करते भी हैं। एग्जांपल ले लो, हम लोग ब्लॉग यूज करते हैं आपके कहने पे। हम सोच रहे हैं कि क्यों इतनी मेहनत करें, यहाँ पर आप क्या देना चाहते हो, बेड देना चाहते हो, ठीक है, कोई भी डिजाइन में ले लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। अब आपने कहा कि ये 6 फीट का साइज है सर, चलो ठीक है, आपकी बात मैंने रख ली। स्केल कर लिया और ये 6 फीट का हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। क्या ये 6 फीट का होगा? आर यू श्योर? नो सर। नहीं? क्या ये सही होगा गलत होगा? फिर क्या करना चाहिए? क्या इसको भी स्केल करना चाहिए? नहीं सर, इसे ब्लॉक से तोड़कर फिर इसे साइड टेबल को भी करना पड़ेगा। हाँ सर, सब कुछ करना पड़ेगा। आप अगर डेकोरेटिव आइटम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अगर ज्यादा डेकोरेटिव मॉडल है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो इसलिए ब्लॉग को बना के रख लिया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखने की है। पहला पॉइंट, आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, ये मैंने करके बताया भी था कि आपने इसको इंपोर्ट कराया, एक्सप्लोर कर दिया और मैं इसको बना के रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए, इस डिजाइन को। वन टाइम मेहनत तो करना पड़ेगी, कब तक बचोगे? क्या देना चाहते हो साइज? नहीं इसको स्ट्रेच करूंगा, नहीं इतनी मेहनत करना चाहता, बना ही लेता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने, स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्यों शॉर्टकट की इसके पीछे भागे? सिर्फ कॉपी पेस्ट तो करना है चीजों को। डेकोरेटिव देना है
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अब दो डेकोरेटिव डिज़ाइन, बट वो डिज़ाइन होना चाहिए स्टैंडर्ड पर, उसके अंदर कोई कलर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई हैचिंग नहीं होना चाहिए, बस कंडीशंस ये रहेगी, बाकी जैसा आपको जो करना वो करो, कोई लिमिटेशंस नहीं आपके साथ। ड्राइंग परफेक्ट, अब इसको भी हम स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल। कितनी देर लगेगी, काम ही तो आएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए मेहनत करना। स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, चीजें समझ में आएंगी। बन गया, चलो डेकोरेट करना है, चलो कर लेते हैं, ये लो, मैं नहीं मना कर रहा हूं। हर एक चीज जो भी बना रहे हो बस वो स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए, शर्त ये है। बाकी आप चाहो तो ऐसे कुछ बनाओ, आप चाहो तो कुछ ऐसे डेकोरेट करो, हमें उससे कोई इशू नहीं है। चाहो तो आप कुछ इस वे में डेकोरेट करो, और बहुत करना है फिल कर दो, साइज बहुत लाइट कलर, अच्छा लग रहा है। ये भी तो जरूरी है, जरूरी थोड़ी ना है कि यही चाहिए स्पेशल। हाँ ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो यूज, मैं नहीं मना करता, बट ये फिक्स होना चाहिए, शर्त है मेरी, साइड टेबल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी दे सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है इतना ही सब डेकोरेटिव फूल पत्ती में, ये चलेगा, इसको ग्रुप कर लो। अब तरीका क्या होता है, उस तरीके को थोड़ा सा समझ लो काम करने का, क्योंकि जब फर्नीचर लेआउट पे काम करते हैं तो इसकी पूरी की पूरी ड्राइंग कॉपी करके साइड में लेके आई जाती है। पॉइंट नंबर वन, जितनी इनर डायमेंशंस है सारी रिमूव कर दी जाती है, उनका कोई काम नहीं। सेलेक्ट सिमिलर, सारा सेलेक्ट हो गया तो शिफ्ट दबा के डीसेलेक्ट एंड डिलीट, ये ब्लैंक है पार्ट हमारा, मान लो कुछ नहीं है यहां पर, मैंने मॉडल क्रिएट करा और यही हम आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे। सिर्फ एक बार बनाया और आगे भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हम इसको यूज करेंगे, एक ही बार तो मेहनत हुई आपकी। अब अच्छा लग रहा है, सिंपल है। क्या है ये, वार्डरोब है, बच्चे लोग बहुत डेकोरेटिव बना देते हैं इसको, डेकोरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा नाम हो वैसे ही डिटेल हो। सॉलिड पार्ट, ये मेरा सॉलिड पार्ट है। हाँ नियाज बताओ, पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, नहीं। अच्छा, तो जो सॉलिड डिटेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज नहीं करना है, जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट रहेगा, बस सिंपल सा उसके अंदर नाम मेंशन करो। टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी एक ऑप्शन होता है, ये क्या है, ये एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, ये टेक्स्ट है। मैंने इसीलिए बोला था, क्या बोला था कि एम्प्टी को यूज करना, एम्प्टी मल्टी लाइन टेक्स्ट अपर केस, साइज, फॉन्ट का ध्यान रखना, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं शुरू से। मुझे बताइए कि वार्डरोब के बाद कितना स्पेस है, टीवी यूनिट के बाद हमारे पास कितना स्पेस है, ताकि मैं इस
एरिया को यूटिलाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तब जरूरत पड़ती है मैं किस चीज की डिटेल देने की। यहां तक अगर आपने WC दिया है तो मुझे बताइए WC का मेंशन करने के बाद कितना स्पेस बच रहा है। परफेक्ट होना चाहिए साइज एंड योर फॉन्ट। मैं स्टार्टिंग से कहता चला रहा हूँ आर्किटेक्चर वाले पार्ट से, एरो का साइज परफेक्ट होना चाहिए कि डिटेल भी हो और चीजें मिक्स भी ना हो आपस में। अब जरूरत है मुझे सामने वाले को एक्सप्लेन करने की कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स लिए हैं मैंने, इसके साइज को हम, इसके मटेरियल को और इसकी डिटेल को हम मेंशन करेंगे कैटलॉग के बेसिस पे इंटीरियर में। ये शॉवर एरिया है, ठीक है, छोड़ दिया। बेडरूम है, कितना स्पेस बच रहा है, फ्रंट में कितना स्पेस बच रहा है, साइड में कितना कितना बचना चाहिए था, 3 फिट टोटल स्पेस, कितना डेप्थ लेके चल रहे हैं, सीडी यूनिट कितनी ली है आपने, और कितना स्पेस आप दे रहे हो साइड में। इसको कहते हैं स्पेस प्लानिंग। फर्नीचर लेआउट तो कहते कहते हैं, टेक्निकल वर्ड होता है स्पेस प्लानिंग इंटीरियर में। फर्नीचर का साइज क्या लिया है आपने ओवरऑल, वो इंपॉर्टेंट है। कितना स्पेस आप दे रहे हो हमें साइड टेबल मेंशन करने के बाद, वो इंपॉर्टेंट है। और उनकी डिटेल, तो आपको सामने वाला अगर क्वेश्चन करेगा तो मुझे बताइए जरा मैं स्पेस को यूज करना चाहता हूँ, क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, 1 फिट आपके पास वॉल में बच रहा है, आप कुछ भी दे सकते हो। कितना स्पेस है, 4 फिट है, साइड में कितना है, 2 फिट है। तो सामने वाले को आइडिया हो स्पेस कैसे यूटिलाइज करना है। क्या था ओवरहेड लॉफ्ट यूनिट, कितना लिया था, कितना स्पेस कवर कर रहे हो किचन का, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, टोटल साइज किचन काउंटरटॉप का, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि सिंक भी कैटलॉग के बेसिस पे ले सकते हैं। सेम इस एरिया को भी आपको इसी तरह मेंशन करना है, कितना साइज लेके चल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। साइड टेबल आपने कितने दिए हैं, सेंटर टेबल आपने, वो मेंशन करो। और अगर जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप चीजों को एज्यूम करिए कि आप एरिया को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप करिए उसको, सोचिए, कोई फिक्स नहीं है, आप रेफरेंस लो। समझ में ना आए सबसे बेस्ट तरीका है रेफरेंस लो ऑनलाइन, खुद ब खुद समझ में आ जाए। ड्राइंग रूम में हम क्या क्या आइटम दे सकते हैं, प्लांट दे सकते हैं, टीवी यूनिट वगैरह, शैंडलियर दे सकते हैं, कुछ भी। ओवरऑल ये जो टैग लगा हुआ है, ये टैग इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ पर इसको ही फोकस करेंगे और किसी को फोकस नहीं करेंगे, यही इम्पोर्टेंट है पार्ट वन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आ गई जिनके बारे में हमको पता नहीं है और जिनके बारे में हमको आइडिया भी नहीं है, और वो चीजें क्या कहलाती हैं? आज के टाइम में हर एक चीज पे काम करने के लिए आपको उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या, ठीक है इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है,
किसी को इतना आइडिया नहीं होता है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हमने भी क्या पढ़ा था, बाथरूम डिजाइन कर रहे हैं, वैनिटी सेक्शन, अब टाइप्स ऑफ वैनिटी कौन सी यूज कर रहे हो, मेंशन तो कर दिया, सामने वाले ने पूछा फिर क्या करोगे, ये कहोगे पता नहीं देखा जाएगा बाद में देखते हैं, डब्ल्यूसी मेंशन कर दिया, कितना स्पेस होना चाहिए उसके लेफ्ट राइट और फ्रंट में, क्या कभी किसी ने फोकस करा है? नहीं। कोई भी हो इस बैच में मुझे बता दे कि उसने डिजाइनिंग करते वक्त ये फोकस करा है कि वॉशरूम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर हम डब्ल्यूसी के लेफ्ट राइट और फ्रंट में कितना स्पेस छोड़ना चाहिए और वैनिटी का स्पेस कितना छोड़ना चाहिए, एनीवन है कोई ऐसा? कोई नहीं है। क्या करा होगा? कॉपी एंड पेस्ट, यही तरीका होता है काम करने का। जब तक आपको चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक आप चीजें दोगे क्या? कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए बेडरूम बहुत ही डिटेल पार्ट है, कभी पढ़ने की कोशिश करना। अ मास्टर बाथरूम इज ए प्राइवेट बाथरूम अटैच टू द मास्टर बेडरूम, इट इज यूजली द मोस्ट लग्जरियस बाथरूम इन द हाउस। अ मास्टर बाथरूम में हैव ए टॉयलेट, अ सिंक, अ शॉवर, अ बाथटब या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फीचर्स। सम मास्टर बाथरूम में हैव एक्स्ट्रा फीचर्स। मास्टर बाथरूम क्या होता है? बाथरूम तो सुना था, बेडरूम सुना था, मास्टर बेडरूम सुना था, ये मास्टर बाथरूम कहां से आ गया? और मास्टर बाथरूम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वो मास्टर बाथरूम कहलाएगा? मास्टर बाथरूम मास्टर बेडरूम के साथ अटैच होता है, लग्जरी बाथरूम जिसे कहते हैं मास्टर बाथरूम के साथ। और वो मास्टर बाथरूम क्यों कहलाता है, उसके साथ क्या अटैच होता है? टॉयलेट, सिंक, शॉवर। सिंक लोग किचन में ज्यादा यूज करते हैं बट कॉमन वर्ड है, कभी इससे फोकस मत करना। अ शॉवर, अ बाथटब, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फिक्चर्स। डबल सिंक होना चाहिए, वैनिटी, वॉक इन क्लोजेट, जकूजी, स्टीम शॉवर, आपका मास्टर बाथरूम कहलाएगा। अब मास्टर बाथरूम इज समटाइम्स कॉल्ड इन सूट विच मींस इन द रूम, फ्रेंच में जिसे कहते हैं, दिस वर्ड इज कॉल्ड। अब साइज कितना होना चाहिए? साइज की अगर हम बात करें यहां पर, द एवरेज बाथरूम साइज अप्रॉक्स 60 स्क्वायर फीट टू मीटर में 5.6 स्क्वायर मीटर। स्मॉल मास्टर बाथरूम, से लेकर अलग अलग साइज तक वेरी करता है। एवरेज मास्टर बाथरूम का साइज कहां से कहां तक जा सकता है वो एक एग्जांपल है, मॉडल्स के ऊपर और फिक्चर्स के ऊपर है कि 60 स्क्वायर फीट से लेकर 160 स्क्वायर फीट तक। हमें ए का मतलब हो गया दिस वन, बी का मतलब हो गया यहां पर दिस वन, तो बी और सी डब्ल्यू सी लगाने के बाद कितना स्पेस यहां पर आना चाहिए? 12 इंचेस मिनिमम, सी वाला भी 12 इंचेस मतलब 1 फीट अप्रॉक्स, और दिस वन यहां से इतना गैप, ये हमारा डिपेंड करेगा। जब हमें कोई ये पता होगा तभी हम यहां पर काम कर पाएंगे, वरना तो फिर चीजों को कॉपी एंड पेस्ट कॉपी एंड पेस्ट कॉपी एंड पेस्ट करते चले जाएंगे। तो इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शॉवर के बारे में पता होना चाहिए, द स्टैंडर्ड शॉवर हाइट कितनी होनी चाहिए, शॉवर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, शॉवर लेंथ कितनी होनी चाहिए, शॉवर क्लीयरेंस कितना होना चाहिए, बाकी तो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। वैनिटी की डायमेंशंस आपको अप्रॉक्स पता होना चाहिए,
वैनिटी के बारे में आइडिया लो, द स्टैंडर्ड वैनिटी हाइट, वैनिटी विड्थ, डेप्थ, बाथटब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ तक आपको फर्नीचर के बारे में पता होना चाहिए, आपको ड्राइंग रूम के फर्नीचर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से सोफे के डायमेंशंस, साइड टेबल के डायमेंशंस, रग साइजेस क्या क्या होते हैं मीडियम और लार्ज में, उनको यूज करना है, मैंने एक्सप्लेन करा था। टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स में आपको पता है कि कितना होता है, अभी नहीं पता है। टाइप्स ऑफ वैनिटी के बारे में आपको पता है क्या होती है, टाइप्स ऑफ वैनिटी, आप कौन सी वॉल माउंटेड वैनिटी दे रहे हो, या कॉर्नर वैनिटी दे रहे हो, या डबल सिंक वैनिटीज आप मेंशन कर रहे हो, या वेसल सिंक वैनिटीज आप मेंशन कर रहे हो, या कैबिनेट स्टाइल दे रहे हो, या अंडर माउंटेड सिंक, एक नहीं होता है। इसी की बेसिस पे चीजों को डिजाइन करा जाता है। टीवी यूनिट के बारे में सबको पता है, लेकिन आपको पता है कि टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट कितनी होती है, नहीं पता है। उनके भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनके नेम होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, बट जो ऐसी चीज़ें जो आप क्लाइंट को दिखा के उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन कर सकते हो, कि उसका एरिया आप उसको कैसे यूटिलाइज करके दे सकते हो, वही तो एक आर्ट है, और क्या है, कुछ नहीं, आपका वर्क ही आपका सब कुछ है। डिफरेंट टीवी यूनिट, मल्टीफंक्शनल टीवी यूनिट, मल्टीफंक्शनल के अंदर क्या क्या आता है, यहां तक अलग अलग स्टाइल, टीवी यूनिट विद स्टडी या वर्क स्पेस, अब टीवी यूनिट विद स्टडी एंड वर्क स्पेस, और भी बहुत सारे पॉइंट्स, टीवी यूनिट विद वैनिटी स्पेस, इन सब की स्टडी करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तब आएगा कि हम कैसे काम कर सकते हैं, तब चीज़ें समझ में आती हैं। और फर्नीचर्स को स्टडी करना पड़ेगा, ये मैंने एक्सप्लेन करा था, अलग अलग साइजेस फर्नीचर्स के, इसकी बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करना है, इनकी साइजेस पता होने चाहिए स्टैंडर्ड कम से कम, ताकि कोई पूछे तो हम बता सकें कौन कौन से बेड, अभी तो बेड के नाम कितने पता होंगे, अप्रॉक्स 2-3-4 बस, लेकिन बहुत होते हैं, एक्सप्लेन करूंगा एक दिन, ट्विन साइज, डबल, क्वीन, स्टैंड, कैलिफोर्निया, ये दीवान कह लो, सिंगल बेड कह लो, बंग बेड कह लो, ये टाइप है, अभी बहुत हैं, उनको डिवाइड कर दिया गया है उनके नेम और उनके उनके मटेरियल के साथ, उनकी कैटेगरीज दो पार्ट में आ गई हैं, बाई नेम और बाई मटेरियल, अंदाजा लगा लीजिए। सोफे भी दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, बाई नेम और बाई मटेरियल। तो आगे बढ़ने के लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना फ्लोर प्लान बनाना, फ्लोरिंग प्लानिंग करना बहुत इजी टास्क है, वाकई में बहुत इजी टास्क है। एक तरीका तो ये होता है कि कॉपी पेस्ट कर दो, बन गया। प्रोफेशनल वे में काम करना होता है ना, तो इट्स नॉट एन इजी टास्क, किसी के लिए इतना इजी टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है तब तक आप बेकार हो, जीरो। तो इसीलिए उनकी स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। ये सारे नोट्स मैं शेयर करूंगा और उन नोट्स के बेसिस पे सब लोग फर्नीचर लेआउट को डिजाइन करेंगे, सब मेंशन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे सारे नोट्स की, उनको नोट्स को बनाएंगे। आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, आगे जॉब में काम आए, वर्किंग में काम आए, कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। प्रोफेशनल का टैग लगाना बहुत इजी है, उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत है। 5 साल का आर्किटेक्चर, 3 साल का इंटीरियर, 8-9 साल की चीज़ें गेन करना,
इतने शॉर्ट टाइम में, बहुत मेहनत का काम है। तो मैं नोट्स शेयर करूंगा सभी लोगों को, सब लोग नोट्स पे स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे जो भी मैं शेयर करूंगा, और उसके बेसिस पे फर्नीचर लेआउट को बढ़िया सा डिज़ाइन करके सबमिट करेंगे। किसी के दिमाग में कोई डाउट, कोई शंका, वह पूछ सकता है। बोलिए सर। सर एक सवाल था, जैसे मान लीजिए कि मैं एक टेबल कर रहा हूँ या एक सोफा बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे डिटेल मेंशन करना है, तो मुझे उसकी मटेरियल्स के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। आप इंटीरियर पे काम कर रहे हो, आप आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो? जी सर। आप आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो अभी या इंटीरियर पे काम कर रहे हो? सर इंटीरियर पर। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इंटीरियर में आएगा, है ना? वो डिटेल हम लोग इंटीरियर में मेंशन करते हैं। अभी हमारा काम है सिर्फ स्पेस प्लानिंग, स्पेस प्लानिंग को यूटिलाइज करना, डिटेल देना फर्नीचर आइटम की। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा था, ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी डिटेल कहाँ पर दें। और कोई क्वेश्चन किसी का?